सनलाइट पड़ रही है सर, सही हो गया। सर लेकिन छोटा छोटा दिख रहा है काफी, नहीं सर, छोटा। सही है सर, सही है सर, सही है। ये सर या सर आप आप जो सही सही है दिख रहा है सर, इसके लिए सर आप बढ़िया है। ऊपर कुछ लाइट का कर सकते हो क्या? क्या सर लाइट का कुछ सर कर वो सकते हो? ना, लाइट सीधा पड़ रही है अक्षरों एक पे। मिनट एक मिनट, मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर अब सही है। यस अब सही है सर, सर अब सही है। यस सही है, यस सर। सर, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, आप लोगों का एनटीएसए एग्जाम कैसा हुआ? सर मैथ्स के मेरा तो क्वेश्चन सही नहीं गया हुए सर, बस बिल्कुल भी। मैथ्स अच्छा बहुत क्या टफ आई थी सर। वो ज्यादा टफ आ गई मैथ्स? अच्छा मैथ्स टफ सर आई मैथ्स थी। टफ थी सर, एग्जाम अच्छा गया लेकिन थोड़ी चीज थी कि जैसे मैथ्स के लिए 20 मिनट मुझे थोड़े कम मैं बना पाया। मतलब जैसे अगर मैं 1 घंटा मैथ्स के सेक्शन के लिए रखता तो मेरे थोड़ा ज्यादा अच्छा जाता पेपर, बट ओवरऑल पेपर ठीक ठाक गया मेरा। अच्छा यस सर, मैथ्स मैथ्स में, की वैसे थोड़ा सारा टाइम पे मैथ्स दिखता का हूँ सर मैं। नहीं हुआ सर। सर मैथ्स नहीं हुई सर, आधा पौना घंटे में नहीं हो पाई। सर नहीं मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैथ्स मैथ मैथ्स मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं सर। सर मैथ्स दिल्ली की मैथ मैथमेटिक्स की। अच्छा सर दिल्ली मैथ्स की की बात, तो मैथमेटिक्स। सर मैथमेटिक्स, मैथ तो मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत हुई? सर यस मैथ्स सर, इजी, इजी सर सर मैथ्स मैथ सर क्वेश्चंस सर लेंदी थे बट इजी क्वेश्चन थे, हो रहे थे सॉल्व। बस टाइम हम थोड़ा कम बचा पाए मैथ के लिए। अच्छा। ये सर टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत हो गई हमसे। ओके एक ओके क्वेश्चन तो ओके सर मेरा करा हुआ ही था, तो वो तो मैंने डायरेक्टली टिक मार दिया, सेम टू ओके सेम आ गया था वो। सर, मैं अच्छे चलिए करके गया था प्रैक्टिस, जब भी नहीं मेरे से सही करे क्वेश्चंस मैथ्स ओके के। ओके फाइन ओके फाइन। चलिए तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अभी हम एनटीएसए एग्जाम देने के बाद फिर हम आगे बात करेंगे, हम क्या स्ट्रेटजी पर काम करने वाले हैं। तो अभी आप मुझे को बताइए कि आप लोगों ने क्या सोचा है अभी। तो आप सर इलेवेंथ एलजेब्रा पढ़ना है सर, इलेवेंथ पढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री ट्वेल्थ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो नहीं सर, सर, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा पढ़ा रहे हैं एलजेब्रा मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ से सर, पहले ट्रिग्नोमेट्री जो मैं पूछ रहा हूँ उसको सर, अच्छे से आंसर दो, ज्योमेट्री फिर हम डिसाइड ये सर करेंगे कि बताना हमने है क्या सर, क्वेश्चन पढ़ना है। पूछना सर है। पीआरएमओ लेवल का एलजेब्रा पढ़ा दो हमें। एक मिनट, पहले मुझे बोलने दो फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर दो केवल, ठीक है। तो अभी ओके आप जैसे कि आप 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास का आप रिवीजन वगैरह करेंगे ही, ठीक है, बोर्ड्स के लिए। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, आप पहले ये बताइए कि 11th क्लास में क्या आप सभी लोग मैथ्स लेने वाले हैं, मतलब या फिर? यस सर यस लेने सर वाले हैं। लेंगे यस सर, सर सर नो यस सर नो नो सर सर, यस सर लेंगे, यस सर मिलेंगे सर, ओके लेंगे सर मतलब लेंगे मेजोरिटी हम। ऑफ द स्टूडेंट्स मैथ्स लेने वाले हैं। अच्छा कुछ यस सर कुछ बच्चे हैं जो मैथ्स नहीं लेंगे, ओके चलिए ठीक है। तो अब जैसे 11th, अब आपके पास क्या है कि देखिए अगर आपको को जेई की प्रिपरेशन करनी है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि जेई की प्रिपरेशन और पीआरएमओ की प्रिपरेशन हैंड इन हैंड हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब आप ये बताइए कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मैथ्स लेना, मैथ्स तो लेंगे लेकिन वो पीआरएमओ में इंटरेस्टेड नहीं है। सर, हम पीआरएमओ में इंटरेस्टेड है पर जेई नहीं दूंगा सर मैं। सर मेडिकल की तरफ से दे सकते हैं सर पीआरएमओ? नहीं पीआरएमओ आप दे सकते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होना जरूरी है 11th क्लास में, ये कोई कंपलसरी नहीं है ओलंपियाड्स के लिए, यस सर, ऐसा मैं कोई। मैथमेटिक्स सर बोर्ड्स के लिए लूंगा बस, वैसे मेरा मेडिकल में इंटरेस्ट है सीधी, पर पीआरएमओ का ओके सर करूँ। ओके, तो मतलब मैं क्या ये मान के चलूं कि आप में से जो स्टूडेंट मैथ्स लेंगे तो उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पीआरएमओ में इंटरेस्टेड है, मतलब पीआरएमओ की यस तरफ। सर, यस यस सर, सर यस सर, मैं मैं तो तो क्लियर भी कर रखा है सर देखिए। वो पीआरएमओ, हाँ क्या एग्जाम मैंने क्लियर भी कर रखा है 8th क्लास में ही। आपने पीआरएमओ क्लियर कर रखा है 8th क्लास यस में? मैं, यस सर, किस किस ईयर में किया था? 2018 2018 में किया था। अच्छा 2019 का पीआरएमओ दिया था? क्यों? नहीं सर, वो नहीं दे पाया था, तबीयत खराब थी। अच्छा तबीयत खराब थी, यस अच्छा। सर चलिए ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट कि जो हम पीआरएमओ की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके अंदर जेई एडवांस के ऊपर तक हमको जाना पड़ता है, ओके। मतलब अगर आप मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देकर चलता हूँ, सपोज करिए कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एलजेब्रा का टॉपिक है, ओके, इन जनरल उसे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हम बोलेंगे। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस अगर मैं पीआरएमओ के लिए आपको पढ़ाऊंगा, ओके, तो
तो जेई एडवांस का एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आप ना कर पाए। पॉइंट ये है कहने का कि जेई एडवांस का जो लेवल है वो पीआरएमओ के लेवल से बहुत नीचे है, मतलब बहुत तो नहीं लेकिन सिग्निफिकेंटली नीचे है। ओके, द पॉइंट इज कि पीआरएमओ की प्रिपरेशन के साथ साथ जेई एडवांस की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अब मैं क्या ये मान के चलूं क्या आप लोगों को पीआरएमओ का मैं धीरे धीरे प्रिपरेशन कराना स्टार्ट करूं? कैन वी डू? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके फाइन ग्रेट, दैट इज अ गुड थिंग। तो देखिए पीआरएमओ की जो प्रिपरेशन है सर, योर वीडियो इज स्टक। यस सर। सर यू आल्सो यू आर नॉट अवेलेबल। फ्रीज हो गया सर, फ्रीज हो गया। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। ज्यादातर बच्चों ने लेफ्ट कर दिया, उन्हें लगा कि उनके नेटवर्क प्रॉब्लम है। भाई मैं भी लेफ्ट करने वाला था, मैंने कंफर्म करने के लिए भी यही सोचा था। मैं तो खुद एंड पे करने वाला था। अरे गूगल डॉट कॉम टाइप करके आया मैं। अरे गूगल डॉट कॉम टाइप कर लिया करो। ओरे नहीं सर, लेफ्ट। लग रहा है इंटरनेट को प्रियार में पसंद नहीं है। अरे वो वाला क्वेश्चन देखा तुमने जो स्क्वायर वाला आया था एनटीएससी में, जिन्होंने मतलब दिल्ली से दिया था। भाई पीआरएमओ जो वो हम 11th और 12th क्लास में दोनों में दे सकते हैं। यप वो मतलब कि जैसे अगर हमने 10th क्लास में एक बार दे दिया तो 11th क्लास में दे सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको अभी? यस सर, यस सर, आवाज आ रही है। हाँ वो थोड़ा कनेक्शन का इशू था। ओके हाँ, तो मैं आपको एक बात यहाँ पे ही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप, मैंने बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत ओलम्पियाड जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व कराई थी, तो आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि ओलम्पियाड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होती है जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके कंपेरेटिव। यू हैव टू थिंक समथिंग बेटर, मतलब समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स एंड समथिंग डिडक्टिवली आपको सोचना पड़ता है। जो जो इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम के अंदर दी गई है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं, वो सब डिड्यूस कर कर आपको क्लेवरली सोचना पड़ता है, तब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ओलंपियाड लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर प्री ओलंपियाड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। ओके तो ओलंपियाड्स के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिस आपको अच्छी प्रॉब्लम्स की भी करनी है और क्वांटिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स दोनों ही वैल्यू करती हैं ओलंपियाड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओके इतनी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। एक बात पूछनी है। एक मिनट अभी आप अपने क्वेश्चन अब पेपर पे आप नोट डाउन करके अब कर लें, जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तो आप क्वेश्चन पूछिएगा वन बाई वन। ओके अब मेरा जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कहने का, जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, ओलंपियाड की प्रिपरेशन में टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, टीचर का और स्टडी मटेरियल का। क्यों होता है इंपॉर्टेंट रोल? क्योंकि टीचर का जो सिग्निफिकेंट रोल है वो ये है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से अनफोल्ड करनी है, कैसे अनफोल्ड करनी है, प्रॉब्लम के अंदर क्या हिडन हिंट है, प्रॉब्लम को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये टीचर का काम होता है आपको सिखाए हो। मतलब इस तरीके से बात नहीं बनेगी कि टीचर ने आपको प्रॉब्लम दिया बोर्ड पर और बोर्ड पर उसने सोल्यूशन फिर लिख दिया। ठीक है, पहले आपको प्रॉब्लम दिया, फिर आपको 5 मिनट का टाइम दिया, अब आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कुछ बच्चों से नहीं हुई और उन्होंने सोल्यूशन लिख दिया टीचर ने। तो इस तरह से बात नहीं बनती है ओलंपियाड से। ओलंपियाड में स्टेप बाय स्टेप बच्चों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा तो क्यों होगा, हम इस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहे हैं, काइंड ऑफ एनालिसिस। प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम की एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके कि आप इस मेथड से
जाना है हमारे लिए बेटर है, ये इन्फॉर्मेशन दी है तो ये वाला रूट फॉलो करिए, ये इन्फॉर्मेशन दी है तो ये वाला रूट वर्क नहीं करेगा, दूसरा रूट ज़्यादा बेटर है वो वर्क करेगा। तो इस तरीके से जब हम प्रॉब्लम को अनफोल्ड करना सीखेंगे तो वो जो डेवलपमेंट होगा, मैथमेटिकल मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी, वो चीज़, वो मैच्योरिटी तभी डेवलप हो सकती है जब वो टीचर उस तरीके से आपको पढ़ाए, उस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को अनफोल्ड करना सिखाए। तो दैट इज़ द सम काइंड ऑफ वेरी स्किलफुल थिंग जो एक अच्छा टीचर ही सिखा सकता है। ओके तो ओलंपियाड्स के अंदर स्टूडेंट का क्यूरियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं यूजुअली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ओलंपियाड वाला स्टूडेंट जो होता है वो लर्निंग में इंटरेस्टेड होता है, उसे मजा आता है कि कंसेप्ट को क्लेवरली अप्लाई करने से किस तरीके से वो प्रॉब्लम को अनफोल्ड कर रहा है। सिर्फ आंसर निकालने की जो एक भूख है, काइंड ऑफ लस्ट है, आंसर निकालने का जो लस्ट है वो नहीं होना चाहिए। ओके लर्निंग की जो क्यूरोसिटी है वो होनी चाहिए। जिस स्टूडेंट के अंदर लर्निंग की क्यूरोसिटी है ना, तो डेट इज समवन हु इज काइंड ऑफ ओलंपियाड टाइप एस्पिरेंट। ओके तो ये वाला पॉइंट मेरा समझ में आया आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. तो हमने अभी दो पॉइंट समझे कि एक तो हमको क्वांटिटी ऑफ द प्रॉब्लम और क्वालिटी ऑफ द प्रॉब्लम दोनों पे वर्क करना होता है, और दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम को वो अनफोल्ड करना सिखाएगा उस तरीके से हम प्रॉब्लम। जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि थर्ड पॉइंट के अंदर जो एस्पिरेंट है, जो ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, काइंड ऑफ डिसिप्लिन का यहाँ पे क्या मतलब है, डिसिप्लिन का यहाँ पे ये मतलब है कि आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को वो ऑनेस्टली अच्छे से अटेम्प्ट करे। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम में कहीं पर अटक गए तो 5-6 मिनट ही प्रॉब्लम पर वर्क करेंगे, 5-6 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2-3 मिनट ही वर्क करेंगे और वो अटक गए तो वो चाहेंगे कि उनको कोई सलूशन बता दे आके, उनकी कोई हेल्प कर दे। इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो ओलंपियाड टाइप स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। अगर आप ओलंपियाड टाइप स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर एक जूझने वाली जो एबिलिटी है, प्रॉब्लम के साथ जूझने वाली जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए। मतलब आपसे अगर प्रॉब्लम में आपने सोचा आपसे ये नहीं हो रहा तो आप उसमें देखिए कि अब आप उसमें और क्या कर सकते हैं। मैंने ये करके देखा तो बात नहीं बनी, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं फिर ये करके देख रहा हूँ तो बात नहीं बन रही है तो मैं और क्या कर सकता हूँ। सोचना, लगातार प्रॉब्लम पर फोकस करना लगातार, ठीक है। तो वो जो एक एबिलिटी है जिसको हम बोल सकते हैं टेनाशियस होना चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है, बिल्कुल लगा रहे प्रॉब्लम, ठीक है, वो जो एबिलिटी है जल्दी से गिवअप नहीं करना है, बहुत जल्दी गिवअप नहीं करना है, थोड़ा सा एफर्ट डालना है, पेन लेना है। पेन अगर लेंगे तब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आएगी। ओके पेन लेने वाला जो स्टूडेंट होगा वो ओलंपियाड का एस्पिरेंट है। प्लस ऐसा भी नहीं है, कहना चाह रहा मैं, कि आप एक प्रॉब्लम को लेके बैठे आपसे सॉल्व नहीं हुई तो आप उसे आधे घंटे या एक घंटे तक उस प्रॉब्लम पे बैठे रहे, क्योंकि आप सोचेंगे अरे सर ने बोला था पेन लेना है, गिवअप नहीं करना है, मैं तो एक घंटे से पहले गिवअप ही नहीं करूंगा। ऐसा भी नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहुत जल्दी गिवअप नहीं करना है। ऐसा नहीं है एक दो मिनट अटेम्प्ट करें फिर गिवअप कर दें, कम से कम 10 मिनट आप प्रॉब्लम पर लगातार सोचें। एक बात, दूसरी बात, जब मैं ये बोलता हूँ प्रॉब्लम पर वर्क करें 10 मिनट तक, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम को सामने रखें और आप बस प्रॉब्लम को घूरते रहें। प्रॉब्लम को घूरने से बात नहीं बनती है। समटाइम्स क्या होता है, आइडिया हमको नहीं आता है तो हम प्रॉब्लम को घूरते रहते हैं, हम सोचते हैं कि आइडिया आएगा तो हम लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। एक छोटा सा भी आइडिया आ रहा है ना, छोटा सा भी कुछ आ रहा है आपके दिमाग में, तो आप उसको नोट डाउन करिए, छोटे से आइडिया को भी पेन चलाइए। पेन चलाना बहुत जरूरी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ये छोटी सी बात है इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लिखने की, लेकिन आप उसको लिखिए, क्योंकि वो आइडिया आगे जाकर दूसरा आइडिया से कनेक्ट हो सकता है। ओके वो आपको नहीं पता होता है। ओके तो जो भी छोटे छोटे आइडियाज आपको आपको लग रहे हैं कि वो डिसकनेक्टेड हैं आपस में, लेकिन आप उन्हें लिखेंगे तो हो सकता है कि कोई लिंक एस्टेब्लिश हो जाए उनके बीच में और प्रॉब्लम आगे जाके अनफोल्ड हो जाए। तो दैट इज वन ऑफ द टिप कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। ओके प्लस ये भी एक टिप है मेरी तरफ से कि
कि आपको कोई प्रॉब्लम अगर नहीं हो रही है, आपने 15 मिनट तक बहुत जूझ लिए उस प्रॉब्लम को लेकर, तो 15 मिनट के बाद आप उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा साइड में रख दें, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चले जाएं। जो प्रॉब्लम आपने साइड में रखी है उसे आप फिर बाद में अटेम्प्ट करें, जब आप नेक्स्ट सिटिंग अपने पढ़ाई करने के लिए आएंगे तो आप बाद में अटेम्प्ट करें फ्रेश थिंकिंग के साथ। समटाइम्स क्या होता है, हम एक ही थिंकिंग पर सोचते रहते हैं और प्रॉब्लम का जो आइडिया होता है हमको हिट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हम बार बार एक ही डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं। पता चलता है कि प्रॉब्लम दूसरे डायरेक्शन से बहुत इजीली सॉल्व हो रही है, लेकिन हम उस मोमेंट पर उस डायरेक्शन को नहीं छोड़ पाते जिस डायरेक्शन पर हमने सोचना स्टार्ट कर दिया होता है। जब एक बार हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है 15 मिनट की अटेम्प्ट में, तो जब आप बाद में दोबारा आएंगे सेम प्रॉब्लम पर, तो इट इज लाइकली कि आप दूसरी डायरेक्शन से सोच लें। ओके, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जब आप दूसरी डायरेक्शन से आप सोचेंगे तब आपको लगेगा अरे वाह यहाँ से तो प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गई, मैंने तो ये आइडिया उस टाइम सोच ही नहीं पाया था। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि आप प्रॉब्लम को 10-15 मिनट तक अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं सॉल्व हुई है तो उसे री अटेम्प्ट करिए दूसरी सिटिंग में, उसी सिटिंग में उसे अटेम्प्ट मत करिए, नेक्स्ट सिटिंग में उसे री अटेम्प्ट करिए। तो डेट इज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज जो हम आगे चलते चलते बताएंगे भी, हम प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे तो हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताएंगे। दे आर लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज, ज्योमेट्री के लिए स्ट्रेटजीज होती हैं, एलजेब्रा के लिए अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, लॉट ऑफ स्ट्रेटजी हम धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन जो एस्पिरेंट के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, एक ओलंपियाड एस्पिरेंट के अंदर वो ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसे गिवअप नहीं करना है बहुत जल्दी, उसे हार नहीं माननी है, क्योंकि जो हम काम करने जा रहे हैं ना डैट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ जिद, थोड़ा जिद भी होना चाहिए इंसान को। जिद एक नेगेटिव वर्ड है, तो टेनाशियस होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया आप लोगों को? डेट इज गुड, ठीक है। अब आता है फोर्थ पॉइंट में, जो मैंने अभी तक आपको ये बता दिया कि टीचर की क्या इंपॉर्टेंस है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो दोनों की क्वालिटीज आपको समझ में आ गई है, ओके, ओलंपियाड प्रिपरेशन के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट पॉइंट में मेटीरियल। ओलंपियाड के अंदर क्या होता है, ओलंपियाड के अंदर मेटीरियल की बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सी भी मेटीरियल आप सॉल्व कर लीजिए तो आप ओलंपियाड निकाल लेंगे, ओके, ऐसे ओलंपियाड नहीं निकलेगा। क्योंकि देखिए ओलंपियाड का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। अभी तो हम प्री ओलंपियाड की बात कर रहे हैं, प्री ओलंपियाड का ही लेवल जेई एडवांस के ऊपर जाता है, ओके। तो सोचिए जो आगे वाले ओलंपियाड हैं, जो रीजनल ओलंपियाड्स हैं, नेशनल ओलंपियाड्स हैं, उनका जो लेवल है वो तो बहुत ही ऊपर है। और इंटरनेशनल ओलंपियाड की तो बात ही छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल ओलंपियाड का टीचर तो आपको हिंदुस्तान में अगर मिल जाए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए करोड़ों में एक इंसान ऐसा होता है जो इंटरनेशनल ओलंपियाड की मैथमेटिक्स पढ़ा सके, ओके, डेट इज रेयरस्ट ऑफ द रेयर केस, ओके। तो हालांकि बोलने वाले तो बोलते हैं वो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स का पढ़ाते हैं, ओलंपियाड्स का पढ़ाते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है, ओके। तो जो काबिलियत होती है वो टीचर जब पढ़ाता तो दिख जाती है उसके अंदर, क्या कितने पानी का टीचर है, ठीक है, और कितने पानी का स्टूडेंट है वो भी दिख जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं कि अरे हम तो ओलंपियाड्स का पढ़ते हैं, इट इज़ नॉट द वे। ओलंपियाड पढ़ने वाला एस्पिरेंट अलग ही होता है, ओके। तो पॉइंट ये है मेरा कहने का यहाँ पर कि जो मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंट है। मटेरियल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल है जो आपको दिया जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आपको इजी डिफिकल्टी लेवल की प्रॉब्लम दे दी जाएंगी तो आपको सब्जेक्ट डल लगेगा और उससे आपका कुछ फायदा भी नहीं होने वाला। और अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम दे दी जाएंगी तो आपको सब्जेक्ट एक्सट्रीमली चैलेंजिंग लगेगा और आपका मन उसको नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं लगेगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल ही आपको आइडिया ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम किस तरह से अनफोल्ड होनी है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी की प्रॉब्लम एक एस्पिरेंट को दी जानी चाहिए। ऑप्टिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी का मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपसे प्रॉब्लम का जो आइडिया है वो एकदम से हिट नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा वर्क आप कर रहे हैं तो प्रॉब्लम का आइडिया आपको आ रहा है, ओके। दैट इज द थिंग कि थोड़ा स्ट्रगल करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एकदम सॉल्व नहीं हो रही, और ऐसा भी नहीं है कि सॉल्व ही नहीं हो रही, सॉल्व हो रही है लेकिन स्ट्रगल करने के बाद हो रही है।
दैट इज द ऑप्टिमम लेवल. तो जो प्रॉब्लम लेवल का जो सीक्वेंस होता है ना, प्रॉब्लम की जो डिफिकल्टी लेवल का जो सीक्वेंस होता है ना, वो बहुत मैटर करता है ओलंपियाड की प्रिपरेशन में. ओके तो इसलिए आपने, जब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ओलंपियाड लेवल की प्रॉब्लम्स नेट पर सर्च करते होंगे, तो दो बातें होती होंगी आप लोगों के साथ. आपको जो ज्यादा केसेस में होता होगा वो ये होता होगा कि आपको ओलंपियाड लेवल की प्रॉब्लम्स तो मिल जाती होंगी इंटरनेट पर, लेकिन वो आपसे सॉल्व नहीं होती होंगी, वो आपके लेवल से बहुत ऊपर की होती होंगी. और आपको लगता होगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं और ये ओलंपियाड मेरे बस की बात नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है ओलंपियाड. ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि इंटरनेट में आपको ऑर्गेनाइज प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी इतनी आसानी से. वो एक एक्सपीरियंस जो टीचर होता है वही आपको हंट करके दे सकता है ऑर्गेनाइज्ड प्रॉब्लम्स. ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो जो ऑर्गेनाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट के लिए सुटेबल हैं, वो देना स्टूडेंट को, वो एक टीचर का काम है. और फिर उसे स्टूडेंट पूरे मन लगा के अटेम्प्ट करे, ये एक स्टूडेंट का काम है. ओके तो ये जो चीज है, ये स्टूडेंट टीचर का जो कोलैबोरेशन हो रहा है थ्रू द मटेरियल, जो मटेरियल का जो लिंक है, ठीक है, जो बन रहा है स्टूडेंट टीचर के बीच में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मटेरियल का बिल्कुल सही होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ओलंपियाड प्रिपरेशन. ठीक है, तो ये सारी बातें आपको मेरी समझ में आ गई नहीं आ गई ओलंपियाड से रिलेटेड? यस सर, यस सर, तो फिर यही सारी बातें हम पूरे ओलंपियाड के अंदर फॉलो करने, पूरी प्रिपरेशन के अंदर हम फॉलो करने वाले हैं. और इसके हम आगे इसी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस पर हम काम करेंगे. अब अगर आप में से कोई क्वेश्चन मुझसे पूछने चाह रहा था, क्वेश्चन पूछ लीजिए. जैसे सर हम अगर मैथ्स के जैसे ओलंपियाड के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो सर जैसे उसके लिए टाइम ही नहीं मिल रहा सर, उसके लिए कैसे करें टाइम, सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम देखो, अभी तो क्योंकि जब तक आपके बोर्ड्स नहीं होंगे तब तक तो मैं भी आपको इतना ज्यादा टाइम एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप उतना टाइम दें, क्योंकि अभी आपकी बोर्ड्स प्रायोरिटी है. तो मेरी जो स्पीड होगी पढ़ाने की वो भी रिलेटिवली काफी स्लो होगी. ओके और मैं आराम आराम से ही पढ़ाऊंगा जब तक आपके बोर्ड्स नहीं हो जाते. When you have completed your boards, now you will enter in 11. Then we will increase speed, and then you will have a time to. Okay, sir. हाँ. जो material sir, जो हमें Calvin में material दिया हुआ है sir, उससे ही आप related पढ़ाओगे या फिर sir आप अपना अलग material दोगे? नहीं नहीं, Calvin का जो material दिया है वो तो आपको दिया है. That is fine. लेकिन मैं आपको अलग से materials, books. Sometime handouts वगैरह ये सब मैं आपको, अगर बुक्स बाय करनी होंगी मार्केट से कोई, तो मैं आपको बुक्स रिकमेंड करूंगा. कोई हैंडआउट देने होंगे तो हैंडआउट मैं खुद दूंगा. अगर कोई प्रॉब्लम सेट देना होगा मुझे, मैं प्रॉब्लम सेट खुद दूंगा. ओके तो जो वो चीज़ें हैं, वो मटेरियल वाला कंसर्न है, वो मैं उस पर नज़र रखूंगा उस पर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो मैं आपको धीरे धीरे टाइम के साथ साथ देता जाऊंगा, या फिर कुछ मार्केट से आपको बाय करना होगा तो मैं उसकी रिकमेंडेशन भी आपको बताता जाऊंगा. सर जो पीआरएमओ जो पेपर है सर, वो हम 11 12th कभी भी दे सकते हैं? नहीं नहीं, पीआरएमओ का जो पेपर है, देखिए जो प्रेफरेंस होती है ओलंपियाड, जो प्रेफरेंस देते हैं वो ओलंपियाड एस्पिरेंट्स को, वो हमेशा जो यंगर स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं. ओके 12th क्लास वाले स्टूडेंट को तो लीस्ट प्रेफरेंस पर रखा जाता है. उसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का जो क्राइटेरिया है, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड्स में से वही स्टूडेंट अपीयर हो सकता है जो 18 के ऊपर ना हो, 18 या 18 बिलो. ओके तो जो 12th क्लास में स्टूडेंट होता है वो यूजुअली 17 ईयर्स का होता है, यूजुअली 16 या 17 ईयर्स का होता है. ओके तो वो 18 के काफ़ी क्लोज है वो एज, क्योंकि अगर एक बच्चे ने 12th क्लास में पीरियारों में निकाला है तो इट इज़ लेस लाइकली कि वो आईएमओ तक पहुँचते पहुँचते तो 18 से पहले पहले आईएमओ तक पहुँच जाएगा. तो इसलिए वो उनको प्रेफरेंस कम देते हैं. वो यूजुअली प्रेफरेंस 11th क्लास तक के स्टूडेंट्स को ही देते हैं, क्योंकि उनकी एज कम होती है और उनके पास आईएमओ तक पहुँचने का जो टाइम स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है. तो अगर वो एक दो अटैम्प्ट में नहीं पहुँच पाएंगे आईएमओ तक, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आने वाले अटैम्प्ट में आईएमओ तक पहुँच जाएंगे. इसलिए आपको 11th क्लास के अंदर ही प्रीआरएमओ क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आपको ओलंपियाड्स की आगे वाली स्टेजेस में जाना है तो. सर पीआरएमओ वगैरह ओलंपियाड के बेनिफिट्स क्या होते हैं? ओके बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओलंपियाड्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है.
एक बार, क्योंकि बहुत आप में से बहुत सारे लोगों को ओलंपियाड का स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, तो पहले मैं ये बता देता हूँ तो आपको समझ में आएगा आपको किन किन स्टेजेस के थ्रू आप एक्चुअली आपको पास होना है, ठीक है। तो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड पर, देखिए जो 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 एक्चुअली ओलंपियाड है जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है डेट इज इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, ओके। तो जो इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड है वहां पर एवरी कंट्री सेंड्स सिक्स कैंडिडेट्स, टीम ऑफ सिक्स कैंडिडेट्स। तो इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के अंदर जिसे हम आईएमओ बोलते हैं, आईएमओ के अंदर क्या होता है, एवरी कंट्री सेंड्स अ टीम ऑफ सिक्स कैंडिडेट्स। तो हर एक कंट्री का जो सिक्स कैंडिडेट्स की जो टीम है वो पिक करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो इंडिया के अंदर वो जो सिक्स कैंडिडेट्स की टीम है वो कैसे बनाई जाती है उसका एक प्रोसेस है, मैं वो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ओके। क्या आप में से किसी को वो प्रोसेस पता है? यस सर। ओके गुड, ओके गुड, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो जो सिक्स कैंडिडेट्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे आईएमओ के अंदर, वो उन सिक्स कैंडिडेट्स को किस तरह से चूज किया जाता है, ये एक सिक्स स्टेप का प्रोसेस होता है जो जो हमको मतलब स्टूडेंट को फॉलो करना होता है। तो देखिए कैसे होता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, पहले होता है स्टेज वन, ओके। तो जो स्टेज वन है, स्टेज वन में स्टूडेंट को पीआरएम नाम का एक एग्जाम होता है, ये क्वालिफाई करना होता है, जिसको आप जानते हैं प्री रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, ये पहली स्टेज का एग्जाम है, ओके। जो स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं वो स्टेज टू में जाते हैं, स्टेज टू। स्टेज टू में एक नेक्स्ट एग्जाम होता है जिसका नाम है आरएमओ, रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, रीजनल मैथ्स ओलंपियाड। इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर वो स्टेज थ्री में जाते हैं, और स्टेज थ्री ये होता है आईएनएम, इनमो बोलते हैं शॉर्ट में, इनमो बहुत पॉपुलर है इसका नेम, तो इनमो का मतलब हुआ इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, ये स्टेज थ्री का एग्जाम है। तो स्टेज थ्री दैट इज इनमो, तो इनमो के बाद जो स्टेज थ्री क्वालिफाई कर लेते हैं, इनमो के बाद स्टेज फोर, स्टेज फोर में आता है आईएमओटीसी, IMOTC का मतलब होता है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। ये बेसिकली इनमो से जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होकर आते हैं उनको उनका एक ट्रेनिंग कैंप लगाया जाता है, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग कैंप ये तकरीबन चलता है दो ढाई महीने का, तो ये ट्रेनिंग कैंप में से भी कुछ स्टूडेंट्स को चूज किया जाता है, और उन स्टूडेंट को चूज करने के बाद जो स्टेज फाइव होती है उसे हम बोलते हैं प्री डिपार्चर कैंप, ठीक है। तो डेट इज प्री डिपार्चर कैंप, ओके। आईएमओटीसी में से कुछ स्टूडेंट को चूज किया जाता है और एक प्री डिपार्चर कैंप होता है उसके, और यहां से प्री डिपार्चर कैंप में से सिक्स स्टूडेंट्स को पिक किया जाता है, और वो जो सिक्स स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है फाइनल स्टेज आईएमओ, ठीक है। तो ये आईएमओ है, यहां पर सिक्स स्टूडेंट्स प्री डिपार्चर कैंप से लिए जाएंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करिए, ओके। तो दिस इज द सिक्स स्टेप प्रोसेस, और जो एवरी ओलंपियाड एस्पिरेंट को फॉलो करना होगा जो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता है आईएमओ के अंदर। तो प्री जो मैं जैसे कि आप जानते हैं प्री आरएमओ जो फर्स्ट स्टेज है जो कि इन छह स्टेज में इजीएस्ट है, ओके। ये जो इजीएस्ट स्टेज है यही जेई एडवांस के लेवल के बहुत ऊपर है, तो जो बाकी की स्टेजेस हैं वो कितनी डिफिकल्ट होंगी वो आप खुद ही रियलाइज कर सकते हैं। पॉइंट ये है कहने का कि आप ये इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि अगर आपको आईएमओ तक पहुंचना है तो आपको कितनी ज्यादा मेहनत और कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी। तो इट रिक्वायर्स अ वेरी हार्ड वर्क एंड इट इज नॉट अ इजी जॉब डेफिनेटली, बट क्योंकि ये इजी नहीं है लेकिन ये बहुत प्रेस्टीजियस है, दैट इज व्हाई इट इज प्रेस्टीजियस वन। क्योंकि अगर आप आईएमओ के अंदर सिर्फ अपीयर भी हो रहे हैं, आप आईएमओ में पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं, तो यही अपने आप में बहुत बड़े ऑनर की बात होती है, ठीक है। तो जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे,
तो बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो इंडिया के अंदर अगर आप इनमो क्वालिफाई कर लेते हैं, स्टेज थ्री इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, अगर आप इनमो के अंदर क्वालिफाई कर लेते हैं तो कुछ बेनिफिट्स आपको ये मिलते हैं, जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का नाम आपने सुना होगा, ISI का। यस सर, उसमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है? नहीं, डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है। तो ISI के अंदर क्या होता है, दो एग्जाम होते हैं, एक प्री होता है, एक फिर उनका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, और फिर इंटरव्यू होता है। ये तीन स्टेज का प्रोसेस है। तो अगर किसी बच्चे ने इनमो क्वालिफाई कर लिया तो उसे रिटन एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकता है। ओके, और एक एक एग्जाम है, एक इंस्टीट्यूट है CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसका भी एक एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद वो CMI के अंदर एडमिशन होता है। तो इसके अंदर अगर किसी बच्चे ने इनमो क्वालिफाई कर रखा है तो इनमो क्वालिफाई करने के बाद CMI में वो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, CMI में कोई रिटन एग्जाम उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं और कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन ये सारे बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है अगर आप एक फाइनल बेनिफिट को सुनेंगे तो, ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट या किसी भी इंस्टीट्यूट में एग्जाम डायरेक्ट एडमिशन लेना या फिर कुछ वेव ऑफ मिल जाना एडमिशन के प्रोसेस में, ये एक बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटे बेनिफिट्स हैं। जो असली बेनिफिट होगा वो आपको लॉन्ग टर्म में होगा, और वो बेनिफिट क्या होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। जब आप IMO की प्रिपरेशन करेंगे या फिर इन जनरल प्री ओलंपियाड की सोच लीजिए, प्री ओलंपियाड या ओलंपियाड की आप प्रिपरेशन करने की आप जब जर्नी में चलेंगे, जर्नी आप स्टार्ट करेंगे, तो उस जर्नी में आप पाएंगे, जब आप एक साल या डेढ़ साल के बाद अगर आपने बहुत सीरियसली मेहनत करी है, बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करी है, तो आप पाएंगे कि आप एक पूरी तरीके से चेंज्ड पर्सन हो गए हैं। जो आप पहले थे उसके कंपैरेटिव आप 10 टाइम्स या 20 टाइम्स बेटर हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ की जो है एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, आप बहुत बेटर हो गए हैं। जो इस ये जो पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो आपका होगा, इसका बेनिफिट सिर्फ आपको इस सिर्फ मैथमेटिक्स के फील्ड में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी मैथ इंप्रूव हो जाएगी और आप मैथमेटिकल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए हैं, सिर्फ यही एक बेनिफिट है, आप मैथमेटिकली एक बहुत बेटर स्टूडेंट हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आपका बेनिफिट होगा वो पूरा होलिस्टिक होगा। आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे आप फिजिक्स को बहुत आसानी से, बहुत ईजिली समझ पा रहे हैं, फिजिक्स की प्रॉब्लम भी आप बहुत इजीली कर पा रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी आप यही पाएंगे, कुछ भी आप पढ़ेंगे तो आप एज ए होल पर्सन, एज ए होल लर्नर, आप एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो डेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जब हम ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं तो। ओके, अगर सपोज करिए इनकेस अगर आप सिर्फ IMO तक पहुंच गए, IMO क्वालिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने IMO में कोई क्वालिफाई किया है, सिर्फ IMO के अंदर आप पहुंच गए, आप इंडिया को रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं IMO के अंदर, तब भी आप इतने ज़्यादा, आपकी जो प्रेस्टीज है वो इतनी ज़्यादा होगी कि आप इंडिया की जो, इंडिया छोड़िए, जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, कैलिफोर्निया, UCLA, ठीक है, जो इस तरह की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज दीज यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी कॉन्शियस फॉर दीज सच काइंड ऑफ स्पेशल किड्स हु रीच एट द लेवल ऑफ IMO, क्योंकि यहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही रेयर काम होता है, इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब। तो दीज यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी क्या कह सकते हैं, बहुत ही ईजिली पिक करती हैं, वो इन्हें छोड़ते नहीं हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि वो इसलिए नहीं छोड़ते हैं ऐसे लोगों को क्योंकि वो जानते हैं कि यही जो जो आज IMO राइट कर रहे हैं वो कल को कोई ना कोई ब्रेक थ्रू देंगे, कल को कोई बढ़िया डिस्कवरी करेंगे, कल को कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग काम करेंगे जो वाकई में बेनिफिशियल होगा पूरी ह्यूमनिटी के लिए, या फिर बहुत खतरनाक ब्रेक थ्रू देंगे। तो उनसे उन यूनिवर्सिटीज़, वो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, हमेशा चाहती हैं कि जो उनके एलुमनाइज हैं वो बहुत सुपर क्वालिटी के पर्सन रहें, तो इसलिए वो इस तरह के लोगों को बहुत हाई प्रेफरेंस पर रखती हैं और वो उनको इजीली एडमिशन देती हैं, सिर्फ एडमिशन नहीं देती बल्कि उनको क्या कहते हैं स्कॉलरशिप्स भी देती हैं। तो दीज यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी पिकी, ओके, तो वेरी जेनरस फॉर दीज गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं,
ओलंपियाड की प्रिपरेशन के बेनिफिट्स हैं वो इमेंस हैं, मतलब उसका कोई आप ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे उसके बेनिफिट्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो आप उन बेनिफिट्स को रियलाइज करेंगे, वो आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे ना उन चेंजेस को आप रियलाइज करेंगे, जो चेंजेस हैं वो किसी और तरीके से नहीं आ सकते, वो सिर्फ एक प्रॉपर स्ट्रगल से, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाने से आ सकते हैं। तो ये प्रॉपर चैनल है वो ये है, इस प्रॉपर चैनल के थ्रू आप जाएंगे ना, आप जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, सीरियसली आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा, तो आप एक अपने आप में एक चेंज्ड पर्सन बनते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे स्टेजेस पर प्रोग्रेस करते जाएंगे आप उतने ही शानदार बनते चले जाएंगे। सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे होल बोल रहा हूँ, आप ऐसे होल ही चेंज्ड पर्सन हो जाएंगे, आपके देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव, ठीक है, चीजों को समझने की अंडरस्टैंडिंग बहुत इतनी ज्यादा अडेप्ट हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा, आपको जो साथ वाला आपका पर्सन होगा जो इस तरह के प्रोसेस से नहीं गुजरा है, कोई फ्रेंड या फिर कोई कजिन वगैरह, वो आपको देखकर आपको बोलेगा यू आर डेफिनेटली सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। तो दिस इज द प्रोसेस, ओके, जो आप फॉलो करेंगे तो आपको इमेंसली बेनिफिट्स होंगे। इन बेनिफिट्स को आप पैसों से या फिर किसी एडमिशन से नहीं मेजर कर सकते, ये बहुत छोटी चीजें हैं, पैसे और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन। जो आपके अंदर चेंज आएगा वो एक परमानेंट होगा और वो बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ा एक बेनिफिट है। अगला क्वेश्चन सर, आपने पीआरएम वगैरह दे रखा है? हाँ, क्या सर आपने पीआरएम वगैरह दे रखा है? हाँ, आई विश कि मैंने भी कई प्रिपरेशन करी होती ओलंपियाड की, लेकिन जब मैं आपकी एज में था मैंने ओलंपियाड का नाम भी नहीं सुना था, आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ ओलंपियाड्स। मेरा टाइम में मैं जहाँ रहता था वहाँ पर तो खैर इस तरह की कोई माहौल नहीं था, और मैं ना ही इस तरह के बैकग्राउंड से कभी आया हूँ। इनफैक्ट आई एम, जब मैं पढ़ाई करता था 10th क्लास में तो मुझे जेई का तक का नाम नहीं पता था, तो आई एम नॉट फ्रॉम अ प्लेस वेयर सच काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। मतलब मैं काफ़ी एक बहुत ही नॉर्मल से बैकग्राउंड से आया हूँ, जो आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा मतलब अवेयरनेस है, जिस एरिया में मैं था वहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन सब चीज़ों को लेके। आई विश कि मेरे को इतनी अवेयरनेस होती, इतने हेल्प मेरे को मिलती, मुझे कभी इतनी हेल्प नहीं मिली और ना ही मुझे कभी किसी ने बताया इतना कुछ। तो आई एम नॉट ए सच काइंड ऑफ फॉर्चुनेट पर्सन लाइक यू, सो यू आर वेरी फॉर्चुनेट एट दिस एज, यू आर, यू हैव प्लेटफॉर्म, यू हैव टीचर्स, यू हैव समवन हु कैन टीच यू, हु कैन एलिवेट योर लाइफ, यू कैन, हु कैन एलिवेट योर अंडरस्टैंडिंग, एंड यू कैन ग्रो वेरी मच बिकॉज यू हैव अवेयरनेस, यू हैव फैसिलिटीज, you have resources, you have many things which I didn't have and plenty of persons like me didn't have, okay, so you are a very fortunate guys, you should definitely use this chance ki aapko ye sab kuch mil raha hai to aap iska benefit uthayein, iska fayda uthayein, kyunki is tarah ke chances har kisi bacche ko nahi milte hain। मेरे पास बहुत, मेरे YouTube वीडियोस को देख के बहुत सारे बच्चे मेरे पास, मेरे को बोलते हैं कि आप हमको ओलंपियाड्स के लिए पढ़ाइए, आप हमको, आप हमारी हेल्प करिए। उनके पास, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि वो जिस एरिया में रह रहे होते हैं उनके पास कोई ऐसा टीचर नहीं होता। इंटरनेट इज़ अ फुल ऑफ काइंड ऑफ कि हाँ हम भी ओलंपियाड का पढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फेक होते हैं, फेक इन द सेंस उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती, वो काबिलियत नहीं होती। तो इंटरनेट इज अ काइंड ऑफ ए फुल ऑफ मीडियोकर पीपल्स, ओके, क्योंकि ओलंपियाड्स का पढ़ाने के लिए एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा शानदार इंसान होना चाहिए, तो इसलिए लोगों को इंटरनेट पे ही वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, तो दे आस्क मी टू टीच, समटाइम्स आई हेल्प देम, बट मैं हमेशा पढ़ा नहीं पाता हूँ उनको, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके, तो इन फ्यूचर आई मे हेल्प बाई टीचिंग देम, लेकिन मैं उनको जितना हेल्प मैं कर सकता हूँ मेरी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनकी हेल्प करता हूँ। तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट पर्सन, समवन इज टीचिंग यू लाइक दिस ओलंपियाड, फॉर ओलंपियाड्स, तो यू शुड डेफिनेटली अवेल दिस बेनिफिट्स।
यस सर मैंने भी जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो मेरे को यही चीज लगी थी कि चीजें काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज चल रही। हाँ अनऑर्गेनाइज्ड है, डेफिनेटली बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। यही एक एक एक्चुअली आपकी किस्मत जो होती है ना, वो आपको मतलब किस्मत वाला इंसान होता है जिसको टीचर मिल जाता है ओलंपियाड के लिए। मैं तो जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ ना, मैं ही जानता हूँ मैं कितना ज़्यादा नॉर्मल बैकग्राउंड से आया हूँ। आज की डेट में तो इंटरनेट है, इतना ज़्यादा कनेक्टेड कर दिया है पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट ने। मेरे टाइम में तो इतना ज़्यादा इंटरनेट प्रिवेल नहीं था। ओके, नॉर्मल से हम ट्यूशंस पढ़ने जाते थे अपनी लोकलिटी में, हमारे टीचर हमको 250 रुपये महीने 300 रुपये महीने के ट्यूशंस हमको पढ़ाते थे, हम पढ़ने जाते थे, नॉर्मल स्कूल लेवल का पढ़ते थे। हमको कुछ ऐसा कुछ ओलंपियाड वगैरह कुछ पता नहीं था। जब हम 12th क्लास में था तब मुझे IIT के बारे में पता चला, IIT एग्जाम होता है। मैंने पापा को बोला कोटा भेज दो, फिर मुझे कोटा के बारे में एक्चुअली तभी मुझे पता चला 12th क्लास के अंदर। तो मेरे पापा तो मुझे कोटा भी नहीं भेजा, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि कोटा में उस टाइम 50,000 रुपये फीस थी तकरीबन, हॉस्टल वगैरह लगा कर तो 1,00,000 रुपये पूरे साल का खर्चा आता था। तो हमारा इतना इतना अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि पापा वो उस चीज़ को अफोर्ड कर पाते कि कोटा भेजते, 1,00,000 रुपये एक साल का खर्च करते, तो इतना नहीं हो पाया मेरे को। ठीक है, तो किस्मत की बात होती है, आपको अगर मिल रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, और ये बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट हैं आप लोग कि आपको ये सब कुछ मिल रहा है। सर अगर हम सर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो कुछ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चालू करिए, आप ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ये जो 6 स्टेजेस है ना, इन स्टेजेस में जितना आप नीचे जाते रहेंगे ना, जितना आप बिल्कुल आप नीचे जाएंगे ना, आपको बेनिफिट उतने मिलते जाएंगे। आपको जो मेन बात दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि आपको एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। ओके, ये स्टेजेस आपको केवल जिस स्टेज पर आप खड़े हैं ना, वो स्टेज आपको सिर्फ ये इंडिकेट कर रही है कि आप कितने बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। दैट इज द ओनली थिंग। आपको ना IIMO का गोल्ड मेडल देखना है, ना IIMO का टैग देखना है, ना आपको कुछ देखना है, कुछ नहीं देखना है। आपको बस ये देखना है कि मुझे इन स्टेजेस में नीचे जाते जाना है, मुझे मैक्सिमम स्टेज तक पहुंचना है जितना पहुंच सकता हूं बस। क्योंकि आप जितना अपने आप को पुश करते जाएंगे, आगे मेहनत करते जाएंगे, और आप आगे बेहतर बनते जाएंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी, मैंने बोला ना, जो बेनिफिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। पर्सनैलिटी का चेंज होने का मतलब है कि आप एक बहुत शानदार प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्वर जब आप शानदार बनेंगे ना, तो सिर्फ वो मैथमेटिकल बेनिफिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैथमेटिकली ही स्ट्रांग हैं, आप एज ए होल, एज ए थिंकर, एज ए लर्नर स्ट्रांग बन जाएंगे, एक स्ट्रांग कैंडिडेट बन जाएंगे। आप कुछ भी सीखेंगे ना तो क्विकली सीखेंगे, इन डेप्थ सीखेंगे, इन डेप्थ पढ़ने की आपकी हैबिट बन जाएगी। सुपरफिशियल काम करना आपकी एक कहते हैं हैबिट में रहेगा ही नहीं, आपको सुपरफिशियल काम से हेट हो जाएगा। यू विल हेट, क्या है शैलो वर्क कर रहे हो, डू सम डीप वर्क, डू सम हार्ड वर्क, डू सम गुड वर्क, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी। ओके, ये चीज आपके अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से आप उसे इम्बाइब कर लेंगे, और एज ए होल आप लाइफ में बहुत ऊपर उड़ेंगे, एलिवेट करेंगे। तो डेट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। ये ओलंपियाड की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। बाकी सब सारे बेनिफिट साइड बेनिफिट्स हैं कि आप गोल्ड मेडल ले आए किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया, कहीं स्कॉलरशिप मिल गई, दीज आर द साइड बेनिफिट्स। ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन आपको एज ए होल आपको बदलना है, आपको एलिवेट करना है अपने आप को। That is the important thing. तो आप बस इतना करिए, मैंने आपको बोला PIIMO की प्रिपरेशन में से यूजली 2 साल लगते हैं अगर आप, लेकिन अगर आपको एक, अगर आप प्रॉपर स्पीड मेंटेन करते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, प्रॉपर टीचर है, ये सब चीज़ें मिलाकर आपका जो 18 महीने के अंदर, 1.5 साल के अंदर, पॉइंट ये कहने का, तो 1.5 साल के अंदर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम स्टेज 3 तक पहुँच जाएँ। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ये तीनों कवर कर ले। मतलब जो 2021 आएगा हमारा, जो 2021 के अंदर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम इनको क्वालिफाई कर लें। ठीक है, हम इतना कर सकते हैं। ओके, इट इज नॉट
वेरी डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि हम इसको नहीं कर पाए. जो चीजें हमने स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है ना, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेटजी पर फोकस कर रहा हूँ. प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हम काम करेंगे तो हम इनमो तक पहुँच सकते हैं. और अगर आप एक बार आप खुद देखना, आज से अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो आज से 4-5 महीने बाद जब आप हम विद्यालयों की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसके 4-5 महीनों के बाद, फिर आप देखना यू विल थिंक कि आप कितना ज़्यादा चेंज हो गए हैं, आप कितना बेहतर बन गए हैं. ठीक है, फिर आपको मजा आने लगेगा, फिर आप खुद सोचेंगे अरे नाउ आई एम एट द लेवल ऑफ PRMO, नाउ आई शुड अटेम्प्ट RMO प्रॉब्लम्स. तो आप RMO प्रॉब्लम्स को आपको मजा आने लगेगा. और RMO की प्रॉब्लम और भी इंटरेस्टिंग होती हैं, और भी मज़ेदार होती हैं, फिर वो थोड़ी सी और थॉट प्रोवोकिंग होती हैं. तो यू विल एंजॉय, एक्चुअली जर्नी इज वेरी एंजॉइंग, क्योंकि जर्नी चैलेंजिंग है. चैलेंजिंग चीजें एंजॉइंग होती हैं ना, तो जर्नी चैलेंजिंग है और एंजॉइंग है, तो आपको मजा आएगा उस चीज के अंदर. एनी अदर क्वेश्चन? सर, इंडिया से किसी ने गोल्ड मेडल जीता अभी तक IMO में? ओके, तो एक्चुअली क्या है ना, IMO का मैं जो मेडल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो आपको बताता हूँ. मेडल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है आपको बताता हूँ. पहले तो मेडल का डिस्ट्रीब्यूशन ओलंपिक के मेडल के डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं होता है. ओलंपियाड्स का क्या होता है, ओलंपिक्स में क्या होता है, ओलंपिक्स में डिफरेंट कंट्रीज के कैंडिडेट आते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं मैच में, और उस मैच के अंदर जो भी टॉप थ्री पर आता है उसे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज दिया जाता है. यही होता है ना ओलंपिक्स के अंदर, राइट? अब हाँ, तो लेकिन ओलंपियाड्स में ऐसा नहीं होता है. ओलंपियाड्स में क्या होता है कि इंडिया या फिर बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज के 6 कैंडिडेट्स अपियर होंगे. ठीक है, तो जो 6 कैंडिडेट्स अपियर होते हैं, उन 6 कैंडिडेट्स में जो टॉप 3 पे होते हैं सभी देशों में, सभी कंट्रीज के जो टॉप 3 पे होते हैं, उसके अंदर भी एक कंडीशन होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा. जो टॉप 3 पर होते हैं उन टॉप 3 को सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज दिया जाता है. ठीक है, मतलब अगर आप इंडिया की तरफ से जा रहे हैं और आप टॉप पर आए तो आपको गोल्ड मिलेगा. ठीक है, इस बात से मैटर नहीं करता कि आप यूएसए के कैंडिडेट से पीछे हैं स्कोर में, या चाइना के कैंडिडेट से पीछे हैं स्कोर में, या नहीं है, इस बात से मतलब नहीं है. आप 6 टीम में हैं, 6 टीम आप अपने साथ, आपके 6 मेंबर्स हैं टोटल, उन 6 में से आप टॉप पर आए हैं तो आपको गोल्ड मिलना है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कौन सी कंट्री किस कंट्री के ऊपर है, इसका जो डिसीजन होता है वो टोटल मार्क्स के बेसिस पर होगा कि किसी कंट्री के कितने मार्क्स आए, और कंट्री के जो मार्क्स काउंट होंगे वो उनके 6 कैंडिडेट्स हैं उनके टोटल कंबाइंड मार्क्स से काउंट होंगे. ओके, तो जो पॉइंट ये है कहने का, पॉइंट यहाँ पे समझने का ये है कि इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है ओलंपियाड्स में, मैथ्स ओलंपियाड्स में. तो जो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, अनफॉर्चुनेट बात है, वो ये है कि इंडिया बहुत नीचे स्टैंड करता है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड्स के अंदर. 75th है सर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. लेकिन जो टॉप 3 कंट्रीज रहती हैं यूजुअली एवरी ईयर, वो यूएसए, रशिया एंड चाइना. दीज कंट्रीज एवरी ईयर टॉप पे रहती हैं. ठीक है, और इंडिया बहुत नीचे स्टैंड करता है, और ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है. क्योंकि जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इंडिया इतना नीचे क्यों रहता है, क्योंकि एक बच्चा बोल रहा है एक बार इंडिया का गोल्ड मेडल आया था. इंडिया का गोल्ड मेडल तो बेटा एवरी ईयर आएगा. इंडिया का, मैंने बताया ना गोल्ड मेडल कैसे आता है, गोल्ड मेडल तो एवरी ईयर आएगा, कोई ना कोई बच्चा ले ही आएगा ना. ठीक है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है. इंडिया की तो कंट्री में से लेकर आएगा, अपनी एक कंट्री में से 6 बच्चों को तो मिलना ही है. हाँ, एग्जैक्टली. वो लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होती है साथ में. कंडीशन ये होती है कि जैसे सपोज करिए IMO के अंदर 6 प्रॉब्लम्स आती हैं, तो 6 प्रॉब्लम्स में से सपोज करिए आपने, आप 6 बच्चे हैं, तो 6 में से किसी बच्चे के मार्क्स आए, मान लीजिए 30 मार्क्स आए, किसी के 20-25, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, लेकिन किसी भी बच्चे ने अगर कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है तो उसे मेडल नहीं मिलेगा. ये एक इम्पोर्टेंट बात है. ओके, मतलब सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कम से कम एक प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व करनी पड़ेगी. अगर आपने कोई प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करी है तो पार्शल मार्किंग के बेसिस पर आपको मार्क्स तो मिल गए, क्योंकि पार्शल मार्किंग के बेसिस पर आपके मार्क्स तो हाईएस्ट आ गए अपनी टीम के अंदर. इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेडल मिल जाएगा. मेडल लेने के लिए आपको कम्प्लीट प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी. ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है ओलंपियाड्स में. तो पॉइंट ये है कहने का मेरा कि जो इंडिया की जो पोजीशन रहती है मैथ्स ओलंपियाड्स के अंदर, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के अंदर, वो काफ़ी नीचे रहती है, और
जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात भी है और हम लोगों के लिए एज ए टीचर और आप लोगों के लिए एज ए स्टूडेंट ये काफ़ी मतलब शर्मनाक बात हम बोल सकते हैं, क्योंकि अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों इतना इंडिया इतना बैड परफॉर्म करता है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में। जो मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वो ये लगता है कि इंडिया के अंदर कोई होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं है जो एक जिससे आप कैंडिडेट्स को इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करें। काफ़ी हैफजर्डली स्टूडेंट अपने लेवल पर प्रिपेयर करते हैं, कोई एक सेंट्रल बॉडी ऐसी नहीं है जो इस चीज़ पर बहुत ही फोकस्ड है कि हमको कैंडिडेट्स को तैयार करना है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड्स के अंदर। तो ये एक वजह है जो कि बहुत लीडिंग वजह है मेरे ख्याल से, जिस वजह से हमारे कैंडिडेट्स परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया के कैंडिडेट बहुत ब्राइट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, और बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं। वो इंडिया के कैंडिडेट यूएसए के अंदर जाते हैं, फिर वो यूएसए में प्रिपरेशन करते हैं, वो और वो यूएसए की टीम से समटाइम्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूएसए की टीम में होते हैं लेकिन वो इंडिया के ओरिजिन से होते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं। यूएसए की टीम में समटाइम्स कुछ और कंट्रीज़ के भी कैंडिडेट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि यूएसए की टीम में तो वो यूएसए का ही बच्चा होगा, मतलब उसका जो ओरिजन होता है, जो स्टेट ऑफ ओरिजन, जहाँ पर उसने जन्म लिया है, फिर नॉर्मली उसने थोड़ा बहुत अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन ली है, वो किसी और कंट्री का होता है, बाद में वो यूएसए में ट्रांसफर हो जाते हैं तो फिर यूएसए में चले जाते हैं। तो इस तरह से भी होता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो ख़राब हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्रेनिंग प्रोसेस सिस्टम नहीं है इंडिया के अंदर, सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। सिस्टम अगर होगा तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये तो एक मतलब ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर पीआरएमओ की तैयारी करते वक्त हमें फ्यूचर में जो दूसरे ओलंपियाड्स होते हैं सर उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर PRMO को ही मतलब फोकस रहना चाहिए? नहीं, अगर अभी आप 11th क्लास में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और ओलंपियाड पिक करना चाहिए। जो बच्चे 8th क्लास के अंदर होते हैं वहाँ वो लोग कर सकते हैं एक दो ओलंपियाड एक साथ में, लेकिन जो 11th क्लास में बच्चा है उसे मुझे लगता नहीं है कि और ओलंपियाड साथ में करने चाहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, तो आप फिजिक्स ओलंपियाड में आप ट्राई कर सकते हैं या फिर केमिस्ट्री ओलंपियाड में ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आप कर सकते हैं। लेकिन मैथ ओलंपियाड अपने आप में आपसे बहुत टाइम डिमांड करेगा, उतनी टाइम अगर आप इजिली उसको दे पा रहे हैं और आपके पास टाइम बच रहा है तो यू कैन गो, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा कैंडिडेट मिल पाना मुश्किल ही होता है। अच्छा, किसी ने पूछा व्हाट अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछने चाह रहे हो, व्हाट अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब ये उद्देश्य सर पीआरएमओ के साथ हम कॉम्पिटिटिव? हाँ, वो तो नॉर्मल है सर, ओलंपियाड के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जेई वगैरह है दैट इज नॉर्मल, वो तो कुछ नहीं है, मतलब एग्जैक्टली उनकी प्रिपरेशन में आपको एक नॉर्मल टाइम ही देना पड़ेगा। उससे जो मैथ ओलंपियाड की प्रिपरेशन होगी वो तो आपको बेनिफिट करेगी, जेई की प्रिपरेशन के अंदर वो तो इतना बेनिफिट करेगी कि आपका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको जेई की मैथमेटिक्स लगेगी ही नहीं। आपको जो जेई का होमवर्क मिला करेगा वो तो आपको मतलब बहुत कंफर्ट फील करेंगे उसके अंदर आप, वो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओलंपियाड की मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन आपकी जेई की प्रिपरेशन में बेनिफिशियल है, क्योंकि कैलकुलस को छोड़कर एवरीथिंग इज टॉट इन ओलंपियाड प्रिपरेशन ऑलमोस्ट। इनफैक्ट कैलकुलस भी समटाइम, क्योंकि अगर आपको आईएमओ के लेवल तक पहुंचना होगा तो आईएमओ के लेवल तक पहुंचने में तो फिर आपको कैलकुलस भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि हालांकि कैलकुलस ओलंपियाड का पार्ट नहीं है, अगर आप कैलकुलस से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके आएंगे ओलंपियाड के अंदर तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा, उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो इनसाइट्स हैं प्रॉब्लम का वो कैलकुलस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको समटाइम्स कैलकुलस की हेल्प से प्रॉब्लम का ये तो नहीं है कि आप कैलकुलस लिख देंगे, कैलकुलस का मेथड आप लगा देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन समटाइम्स कैलकुलस की हेल्प से कोई आइडिया आपको मिल सकता है, एक रास्ता आपको मिल सकता है। जो बैक ऑफ द कर्टेन वाला काम करते हैं ना, बिहाइंड द कर्टेन का काम करते हैं, तो समटाइम बिहाइंड द कर्टेन के काम में कैलकुलस काम आ सकती है। इसलिए कैलकुलस भी लेटर स्टेज के अंदर जब आप ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे तो ट्रेनिंग कैंप के अंदर आपको कैलकुलस भी पढ़ाई जाएगी। ओके, तो जेई की प्रिपरेशन में तो ओलंपियाड की प्रिपरेशन बहुत इमेंसली हेल्पफुल है। चलिए, तो आगे हम क्वेश्चंस करें क्या आज थोड़े बहुत? यस सर, सही थिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, सॉरी सर, जो एलजेब्रा के सर जो हाई थिंकिंग वाले क्वेश्चंस नहीं होते वैसे करवा दो।
एलजेब्रा के क्वेश्चन. ओके ओके फाइन. मैं ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कुछ मिस प्रॉब्लम्स करवाता हूँ आप लोगों को, जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा आपको. लेट्स हैव सम फन. यस सर, मोटिवेट भी होगा. चलिए तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम आज हम करने जा रहे हैं. फॉर हाउ मैनी positive integers n square minus 3n plus 2 is a prime number. ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. सर n इक्वल टू 3 पे एक दो सर आई गेस एक ही पॉसिबल वैल्यू है. ओके ओके लेट्स सी देखिए तो प्रॉब्लम को हम पहले ध्यान समझते हैं. उसने बोला है कि ये जो नंबर है ये प्राइम होना चाहिए. तो प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि प्राइम नंबर इज अ नंबर व्हिच डज नॉट हैव अ टू और मोर डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स. ओके यस सर n इज इक्वल टू 3 पे आ रहा है. ओके सो व्हिच डज नॉट हैव अ two or more distinct divisors greater than one. Okay, that is the definition of prime number. Aaja suniye ga dhyan se. To hum chahte hain ki n square minus 3n plus 2 prime number hona chahiye. Okay, that is the point. To agar maan lijiye koi number prime hai, for example 13 agar prime hai to main 13 ko keval 1 into 13 likh sakta hu. To 13 ka koi bhi divisor 13 ke jo 1 se bade divisor hai wo sirf 13 hai. तो 1 से बड़ा दो टू या मोर डिवाइजर्स नहीं हो सकते. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर, इनफैक्ट डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर. तो अगर मैं कहता हूं 15 तो 15 क्या आएगा 3 × 5. तो इसके 1 से बड़े दो डिवाइजर पॉसिबल है. 3 और 5 दोनों 1 से बड़े हैं. इनफैक्ट इसके तीन डिवाइजर हैं जो 1 से बड़े हैं, 3 5 15. ओके तो ये प्राइम नंबर नहीं है. तो अगर मैं चाहता हूं कि ये नंबर प्राइम हो तो ये नंबर प्राइम तब बनेगा जब इसके 1 से बड़े दो या दो से ज्यादा डिवाइजर ना हो. मतलब 1 से बड़े सिर्फ एक ही डिवाइजर हो सकता है. ओके और कोई नहीं हो सकता है. ठीक है तो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2. तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये आएगा ये n माइनस 1 इंटू n माइनस 2. तो इट इज द फैक्टराइजेशन. अब मैं चाहता हूं कि ये जो नंबर है इसके 1 से बड़े दो या दो से ज्यादा डिवाइजर ना हो तो इसके दो डिवाइजर ये मिल रहे हैं मुझे n माइनस और n माइनस 2. अब मुझे बताइए क्या n माइनस 1 n माइनस 2 इसके दो डिवाइजर हैं तो क्या ये दोनों डिवाइजर 1 से बड़े हो सकते हैं अगर ये प्राइम है तो. नो सर इन दोनों में से कोई एक 1 हो सकता है. हां इन में से कोई एक 1 होगा. इन दोनों में से यस सर किसी एक को 1 होना ही पड़ेगा क्योंकि अगर ये दोनों 1 से बड़े हो गए तो डेफिनेटली ये प्राइम नंबर नहीं होगा. ओके तो इन दोनों में से मैं केसेस मैं क्या करूंगा केस वर्क करूंगा. मैं इन दोनों को एक एक करके 1 के एक पर लगूंगा और चेक करूंगा कि n की वैल्यू जो आ रही है उस n की वैल्यू के लिए ये नंबर प्राइम बन रहा है नहीं बन रहा. ओके तो केस वन
n माइनस वन इक्वल टू वन, तो यहां से n की वैल्यू क्या आई, टू। तो n की वैल्यू अगर टू आ रही है तो n की जगह अगर मैं टू प्लग इन करता हूं यहां पर तो ये जीरो बन जाएगा, तो मतलब ये नंबर क्या बन रहा है, जीरो। तो जीरो इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। तो n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू टू इज नॉट वर्किंग, मतलब केस वन से हमें n का कोई वैल्यू नहीं मिली जो हमारे काम की। तो केस टू, तो मैं n माइनस टू को वन के इक्वल रखता हूँ, तो अगर मैं n माइनस टू को वन के इक्वल रखूंगा तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी थ्री, राइट। तो n इज इक्वल टू थ्री को चेक करता हूँ, थ्री पुट करो यहाँ पर कितना आया टू, यहाँ पुट करो कितना आया वन, तो टू इंटू वन क्या है टू, मतलब ये नंबर क्या बना प्राइम। तो n इक्वल टू थ्री के लिए मुझे प्राइम मिल रहा है, तो n इज इक्वल टू थ्री इज अ वन पॉसिबल वैल्यू फॉर विच दिस इज प्राइम। क्या कोई और पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? नो सर, नो सर, क्योंकि एक तो वन हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर n पॉजिटिव है यानी कि n 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, नॉन नेगेटिव ही होंगे। ओके, ये दोनों फैक्टर नॉन नेगेटिव ही होंगे। क्या मुझे n माइनस 1 को माइनस 1 रखना चाहिए? नो सर, नो सर, क्योंकि कोई पॉजिटिव n के लिए कभी नेगेटिव 1 नहीं हो पाएगा, n माइनस 2 भी नेगेटिव 1 नहीं। अगर वो पॉजिटिव वर्ड नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव वर्ड नहीं होता तो मुझे यहाँ पर नेगेटिव वन की भी केस लेना पड़ता, राइट। यस सर, यस सर, सर प्राइम नंबर, एक्सक्यूज मी सर, केस नहीं लेना। ओके, तो हम यहाँ पर क्लोज करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो हमारा जो आंसर बना, हाउ मेनी पॉजिटिव, आंसर क्या बनेगा, वन, वन, नो, तो आंसर बनेगा वन। तो दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया होगा सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो बेटा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर, यहाँ पे जो है प्राइम नंबर्स क्या नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी डिफाइन होते हैं? नहीं 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 नहीं, जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है वो केवल नेचुरल नंबर्स के लिए वर्क करते हैं। मतलब प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अननेचुरल नंबर इज कॉल्ड प्राइम, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट प्राइम नंबर नेचुरल नंबर ही होता है। ओके, बाय सर, बाय डेफिनेशन। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सर मैंने सर टेलीग्राम पे सर एक प्रॉब्लम दी थी, क्या तो उसका आंसर नहीं मिला सर? ट्रायंगल वाली, ट्रायंगल वाली क्या? नहीं सर, सर एक मिनट सर, ये सर हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल वाली। ठीक है ठीक है, वो उसका मैं तुमको आज या कल में भेजता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, मेरे को जैसे टाइम मिलता है भेजता हूँ। मैंने प्रॉब्लम पढ़ दो सी, हालांकि जिसके अंदर वो हाइट हाइट प्रॉब्लम देखते हैं हम। तो ये जो डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है ना, प्राइम नंबर्स की प्रॉब्लम्स, ये सब डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स के अंदर ही आती है। तो ये डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये ओलंपियाड्स के अंदर आनी ही आनी है। ओके, क्योंकि नंबर थ्योरी का जो मेजर पार्ट है वो डिविजिबिलिटी ही है। मतलब कुछ भी आप पढ़ेंगे नंबर थ्योरी के अंदर वो बॉइल डाउन होकर डिविजिबिलिटी पर ही आना है ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इसलिए डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग वैरायटी के अंदर आती है। अब मैं एक प्रॉब्लम आपको और दे रहा हूँ, ये भी डिविजिबिलिटी की ही प्रॉब्लम है लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन की गई है। ओके, तो देखिएगा, ये प्रॉब्लम का एक, फॉर हाउ मेनी इंटीजर्स n इज n ओवर 20 माइनस n द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। सोचिए ये कैसे करेंगे आप, कहां
तो ये जो नंबर है n upon 20 minus n, it should be a square of an integer. तो थोड़ा सोचिए किस तरह से वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर. सर इस पे केस बना के मतलब हिडन ट्रायल से कर सकते हैं या फिर कोई अलग प्रोसेस? देखिए जब भी आप कोई काम हिडन ट्रायल से कर रहे हैं तो आपको ये बात तो मेक श्योर करनी पड़ेगी ना हमेशा कि जो हिडन ट्रायल से आपने आंसर निकाला, जो हिडन ट्रायल से आपने वैल्यूज को वेरीफाई किया, वो अगर वेरीफाइड हो गई ठीक है, वो तो एक पॉसिबल आंसर हो गया. लेकिन जिन वैल्यूज को आपने वेरीफाई नहीं किया तो क्या आपने उनके बारे में कुछ कंफर्मेशन दिया? नो सर, उनकी कंफर्मेशन नहीं है. हाँ तो गेटिंग ये तो बात है ना, तो वो आपका सोल्यूशन इनकम्प्लीट हो जाएगा फिर. सर सर आई हैव सर मैं सर मैं एक सोल्यूशन पे अपीयर हुआ हूँ. जो जो लोग पूरी तरीके से स्टक है मैं उन लोगों को एक हिंट दे रहा हूँ, एक रास्ता दे रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा. आप 19 क्या क्या 19 इज द आंसर? यस सर. नो अच्छा मैं एक स्लाइटली हिंट देता हूँ आपको, जरा इस इसके थ्रू आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए. ये आपको चाहिए कि ये जो नंबर है ये इंटीजर है, एक स्क्वायर है बेसिकली. तो आप एक काम करिए कि लेट m को आपने इंटीजर लिया, m को इंटीजर लिया और आपने एज्यूम करा कि m स्क्वायर की जो वैल्यू है वो n ओवर 20 माइनस n. तो अब आप क्या इस इक्वेशन से n की वैल्यू पर कमेंट कर सकते हैं? कोशिश करिए. ये आपको ये सर मैंने ऐसे ही किया है. फोर तो फोर इज द राइट आंसर. गुड इशिका, वेरी गुड, वेल डन. फोर इज द राइट आंसर. सर ऐसा मैंने सोचा कि इसमें अगर हम किसी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में जो है वो वन आता है. हाँ, तो ऐसा करके मैंने 20 माइनस एन है पहले वन के बराबर करके देखा. अच्छा तो सर वहां पर तो सर वन ही आएगा सर डिनोमिनेटर. एक्चुअली क्या है वो वाला जो मेथड है वो इसलिए तुम्हारा 20 माइनस एन वन के अलावा एक पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है. ये भी तो हो सकता है 20 माइनस एन डिवाइड एन कंप्लीट. व्हाट डू यू थिंक? यस सर, यस सर. सही उत्तर ना. अब आप एन की जगह 16 रख के देखिए तो 16 अपॉन 20 माइनस 16 वर्क कर रहा है ना. गणित में नहीं दिखा जो पॉजिटिव आएगा जो 20 माइनस एन है वो जीरो नहीं हो सकता, तो सर 20 वैल्यू नहीं हो सकती और 20 से बड़ी नहीं हो सकती. एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है. 20 से बड़ी नहीं हो सकती तो 20 से छोटी वैल्यू, या तो आप एक काम करो फिर 1 से लेकर 20 तक की सारी वैल्यू पुट करके चेक कर लो. लेकिन दैट इज नॉट अ वेरी फिजिबल थिंग. ये तो कोई बढ़िया बात नहीं लग रही. थोड़ा सा कुछ बढ़िया होना चाहिए ना, जो थोड़ा सा क्रिएटिविटी. हाँ क्योंकि 20 की जगह का मान लो 200 होता तो फिर क्या कैसे करते. हाँ चलिए तो हम इस लाइन ऑफ थिंकिंग पर जा रहे हैं. तो ये लाइन ऑफ थिंकिंग हमें कहाँ लेके जाएगी? तो m तो एक इंटीजर हमने ले लिया और m स्क्वायर को हम ले रहे. अब यहां से हम n की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ m स्क्वायर निकाल लेते हैं तो कितना आएगा 20m स्क्वायर माइनस n * m स्क्वायर इक्वल टू n. तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है 20m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ये हमने ठीक किया है ना? राइट. यस सर, यस सर. तो ये जो नंबर है ये नंबर क्या आना चाहिए? इंटीजर. ये नंबर क्या आना चाहिए? इंटीजर. अब एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए क्या जीसीडी ऑफ एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस वन क्या वन होगा? यस सर, यस सर, यस सर.
हमेशा याद रखिए कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जीसीडी वन होता है. क्यों होता है, कोई रीजन बताएगा? एनीवन कैन गिव रीजन क्यों होता है? ओके, जो जीसीडी होता है वो हमेशा छोटे वाला नंबर होता है, उसके जितना हो सकता है फिर उससे छोटा होगा. ठीक है, मैं अभी जब नंबर थ्योरी को आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा तो मैं इसका रीजन आपको दूंगा कि दो नंबर का जो कंसेक्यूटिव नंबर का जीसीडी वन क्यों होता है. ठीक है, ध्यान. और हाँ, मैंने पहले वो लिखा है, मेरी जो नंबर थ्योरी की लेक्चर सीरीज है आप उसे देखते रहे, उसमें चार लेक्चर अभी हैं. चारों लेक्चर किसी ने देख लिए क्या? क्योंकि उसके अंदर नंबर थ्योरी मैं पूरी कवर करने वाला हूँ. तो नंबर थ्योरी के रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसमें सब कवर हो जाएगा. ओके, तो दैट इज एक्स्ट्रा हेल्प फॉर यू, उससे तुमको थोड़ा टाइम बचेगा और बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें. तो उन लेक्चर्स को जरूर देखते रहो. चार लेक्चर्स अभी तो पढ़े हैं नंबर थ्योरी सीरीज में और बहुत जल्दी और लेक्चर डालने वाला हूँ. तो ये जो नंबर है एम स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस वन, ये दो नंबर आपस में कोप्राइम है. तो ये नंबर क्या होना चाहिए? इंटीजर. ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए? इंटीजर. तो ये इंटीजर कब होगा? जब एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर प्लस वन डिवाइड 20. डू यू एग्री ऑन व्हाट? डू यू एग्री सर? क्योंकि एम स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर को डिवाइड तो कर नहीं सकता, कि ये दोनों आपस में क्या है? कोप्राइम है, राइट? तो एम स्क्वायर प्लस वन 20 को डिवाइड करेगा डेफिनेटली ना. तो अब 20 के जो डिविजर्स हैं वो कौन कौन है? 20 के डिविजर्स कौन कौन है सर? 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, 5 सर, 5 सर, 20 10. और कौन है? 10. दैट्स इट. यस सर, 20 भी है. 20 इटसेल्फ. 20. ठीक है, अब एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या-क्या हो सकती है? एम स्क्वायर प्लस 1 1 हो सकता है? नो सर. एम एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना? एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट? एम इज अ कुछ ऐसा पॉजिटिव बोला है कि पॉजिटिव नहीं बोला? पॉजिटिव नहीं बोला ना. हाउ मेनी इंटीजर बोला ना? एम इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. पॉजिटिव कहीं नहीं बोले. ठीक है, तो एम की वैल्यू 0 हो सकती है. एम इज ओके सर, हो सकती है. तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी. दैट्स इट, नो प्रॉब्लम, नॉट अ इशू. ठीक है, तो एम स्क्वायर प्लस 1 1 वैल्यू 2 हो सकती है? हो सकती है ना. एम की जगह 1 पुट करेंगे 2 हो सकती है, राइट? एम की वैल्यू 1 हो सकती है. क्या एम स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू 4 हो सकती है? नो सर, नहीं हो सकती. क्योंकि एम को 1 पुट करेंगे तो 2 होगी, एम को 2 पुट करेंगे तो 5 हो जाएगी, 4 तो हो नहीं सकती. ध्यान दें ना, एम तो इंटीजर है. ठीक है, क्या एम स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू 5 हो सकती है? यस सर, हो सकती है. तो 2 के लिए 5 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. क्या एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 10 हो सकती है? यस सर, हो सकती है. यस सर, हो सकती है. 10 हो सकती है. क्या एम स्क्वायर प्लस 20 हो सकती है? नो सर, नो सर, 20 हो सकती है. 20 हो सकती है, क्योंकि 20 होने के लिए एम स्क्वायर को होना पड़ेगा 19, लेकिन 19 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, तो यानी कि एम की चार वैल्यू पॉसिबल है. तो अगर एम की चार वैल्यू पॉसिबल है तो एन की भी चार ही वैल्यू पॉसिबल हुई. लेकिन एम की तो 7 वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी ना, अगर हम माइनस वाले माइनस भी अगर हम कंसीडर करें. ओके, योर पॉइंट इज राइट, योर पॉइंट इज राइट. तो एन की यहां पे तुम चाहो तो प्लस माइनस लगा लो, ठीक है, लेकिन इन प्लस माइनस से एन की वैल्यूज को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एन की वैल्यू एम स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, एम पर डिपेंड नहीं कर रही. ओके ओके सर, एन की चार वैल्यू आने वाली है. ठीक है, तो आंसर कितना होगा? 4. डू यू एग्री? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि एन की वैल्यू क्या आएंगी. गेट दिस पॉइंट? हमारा इंटरेस्ट एन की वैल्यू में नहीं है, एन के नंबर ऑफ वैल्यूज में. ये क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर दो स्टार्टिंग से. दोबारा करूंगा इसमें? यस सर, मैं कर दूंगा. तो मेरा क्या कहेगा कि यहां पर हम चाहते हैं कि ये जो नंबर है ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. परफेक्ट स्क्वायर आने के लिए मैंने माना ये एम स्क्वायर के इक्वल है. एम यहां पर एक इंटीजर है, बेटर ये है कि आप एम को पॉजिटिव इंटीजर ले लें, फर्क नहीं पड़ता उससे. तो एम एक इंटीजर है तो एम स्क्वायर की वैल्यू हमने इसके इक्वल मानी. फिर मैंने एन की वैल्यू को इस ये इन टर्म्स ऑफ एम स्क्वायर निकाला. अब ये जो एन है ये तो इंटीजर है ना, एन तो इंटीजर है. ओके, एन तो इंटीजर है, तो ये जो नंबर है 20 एम स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस 1 इट मस्ट बी इंटीजर. तो ये नंबर इंटीजर का होने के लिए मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर ये जो दो नंबर है ये दो नंबर आपस में कोप्राइम है, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है. कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम. तो यानी कि अगर ये रेशियो इंटीजर आएगा, ये रेशियो तभी इंटीजर आ सकता है जब एम स्क्वायर प्लस 1 20 एम स्क्वायर को डिवाइड करे. एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड्स 20 एम स्क्वायर. तो एम स्क्वायर प्लस 1 20 एम स्क्वायर को डिवाइड तभी करेगा जब एम स्क्वायर प्लस 1
20 को डिवाइड करें, क्यों? क्योंकि एम स्क्वायर प्लस वन और एम स्क्वायर में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, एम स्क्वायर प्लस वन और एम स्क्वायर में तो कोई कॉमन डिवाइजर है ही नहीं, तो एम स्क्वायर प्लस वन को 20 को डिवाइड करना पड़ेगा। ये वाली बड़ा बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड्स 20, अब m स्क्वायर प्लस 1 20 का डिवीजर है, तो मैंने 20 के डिवीजर की लिस्ट बना दी यहां पर, 20 के डिवीजर की लिस्ट ये रही। अब मुझे ये देखना है कि इस लिस्ट में से कौन-कौन से नंबर m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि m तो एक इंटीजर है ना, तो सभी नंबर तो m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि m इंटीजर है। तो मैंने चेक करा 1 बाय 1, तो क्या m स्क्वायर प्लस 1 1 हो सकता है? हो सकता है, m की जगह 0 पुट कर दो 1 हो जाएगा ना। क्या m स्क्वायर प्लस 1 2 हो सकता है? हो सकता है, m की जगह 1 पुट कर दो 2 हो जाएगा। क्या m स्क्वायर प्लस 1 4 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि m स्क्वायर प्लस 1 को 4 होने के लिए m स्क्वायर को 3 होना पड़ेगा, m स्क्वायर कैन नॉट बी 3, m इज द इंटीजर राइट। m स्क्वायर प्लस 1 5 हो सकता है? हो सकता है, m की जगह रख दो प्लस माइनस 2 या 2 सिंपली, ठीक है 5 हो जाएगा। क्या ये 10 हो सकता है? m की जगह 3 पुट कर दो। क्या 20 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि m स्क्वायर को 19 होना पड़ेगा, m स्क्वायर कैन नॉट 19। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो मुझे m की यस सर m की इन वैल्यू के लिए n की चार वैल्यू आएंगी, तो हमें तो n की वैल्यू पे कमेंट करना था, तो n की चार पॉसिबल वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम सर? फर्स्ट स्टेप में आपने ए सर m स्क्वायर इक्वल टू n अपॉन 20 माइनस n लिखा है, या फिर माइनस n अपॉन 20 माइनस n लिखा है? यहां ये n है। ओके सर, सर इसी से मुझे समझ में आ रहा है। ओके माइनस नहीं है यहां पर, कोई डाउट इस प्रॉब्लम में? क्या है डाउट? दिस नो डाउट सर, आ गया। नो सर, नो सर, आ गया सर। हमें m सर हमें n की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी थी कि m की n how many integers n सर? नीचे m equals to लिखा है, इसलिए कंफ्यूज हो। m की वैल्यू m लिखा है, m की वैल्यू पर यहां पे प्लग करेंगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि m की वैल्यू से n की वैल्यू पर हम कमेंट कर सकते हैं, हमने इसलिए m की वैल्यू निकाल ली। कोई डाउट? तुम सर मतलब हमें केसिंग करनी आनी चाहिए क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए? हाँ, हमको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस बात का मैथमेटिकल सेटअप कैसे बनाएंगे आप, क्योंकि समटाइम्स आप यहाँ पर आपको कोई मैथमेटिकल सेटअप नहीं दिया, आपको कंडीशन दी है, तो आपको उस कंडीशन के इक्विवेलेंट मैथमेटिकल सेटअप बनाना पड़ेगा। तो आप हमने ये मैथमेटिकल सेटअप बना दिया, हम इससे वर्क कर सकते हैं, हमने इससे वर्क कर लिया, दैट इज अ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। ओके, जो भी गिवन कंडीशन है उसके करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल इक्विवेलेंट कंडीशन क्या होगी, ये आपको बनाना आना चाहिए। ओके अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक क्विक मेथड मैं आपको बताता हूं, ठीक है? ये तो एक मेथड है जो कि ठीक है, और एक और मेथड देखिएगा सर। आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई है क्या? सर यस, बहुत ज्यादा। यस सर, बहुत ब्लर हो गई, ब्लर हो रही है स्क्रीन आपकी। ये स्क्रीन थोड़े टाइम के लिए ब्लर हो गई होगी, ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी दिक्कत आ रही थी मेरे को, ये स्पीड की वजह से ब्लर हो जाती है। अब ये थोड़ा वेट करो, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी, ठीक है? ना हो सर, वो ऑटो फोकस होता रहता है। हां सर, हो गया साहब। एक दो मिनट में अगर ठीक ना हो तो मुझे बताना, मैं थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन पे दूसरा यूज करूंगा। सर हो गई, ठीक अब सर हो गई, ठीक है। तो देखिए, इसको क्वेश्चन को करने का एक एक मेथड और है, जो देखिएगा सेकंड मेथड, नंबर ऑफ फैक्टर्स। सेकंड सेशन देखिएगा, इसके अंदर क्या करने वाला हूं, देखिए मेरे पास जो नंबर दिया गया है वो है n ओवर 20 माइनस n। एक्चुअली क्या है, इसके साथ इस रेशियो का ये नंबर का ये डिफिकल्टी जो है, मेन जो चैलेंज है वो ये है कि ऊपर भी n नीचे भी n है, अगर एक जगह n हट जाए तो डील करना काफी आसान हो जाएगा। तो एक जगह से मैं n हटाना चाह रहा हूं, ऊपर से या नीचे से? अब मैं नीचे से तो n हटा नहीं सकता, मैं ऊपर वाला n हटा सकता हूं, ओके? क्योंकि मैं नीचे वाले फैक्टर से ऊपर वाला ये फैक्टर कैंसिल कर दूंगा तो हट जाएगा ऊपर से n, ठीक है ना? देखिए कैसे मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूं, क्योंकि नीचे लिखा है 20 माइनस n, तो मैं ऊपर में 20 माइनस n बनाता हूं। कैसे बनाता हूं 20 माइनस n, बताइए? बोलिए, एग्री? मैंने माइनस एस। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैंने इसको स्प्लिट करा,
तो जब मैं स्प्लिट करूंगा तो n माइनस 20 ओवर 20 माइनस 10 प्लस 20 ओवर 20 माइनस 10 लिख दिया, तो ये निगेटिव 1 हो गया प्लस 20 ओवर 20 माइनस 10। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब ये तो ऑलरेडी इसके साथ डील करना है, मुझे इसके साथ डील करना है। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये बेसिकली मुझे चाहिए ये जो नंबर है ये स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होगा तो इंटीजर है ना, स्क्वायर को तो बाद में देखेंगे, पहले इंटीजर को देखो, मतलब पहले इस नंबर को इंटीजर बनाओ, स्क्वायर है या नहीं है ये बाद में चेक करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। इस स्ट्रेटजी को मैं बोलूंगा रिलैक्सिंग द कंडीशन, मैं कंडीशन को थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए जो है साइड में रख दिया है। ओके, मैं सिर्फ इंटीजर की बात कर रहा हूँ, थोड़ी कंडीशन को रिलैक्स कर दिया मैंने। ओके, तो रिलैक्सिंग द कंडीशन से मतलब मैं एक पहले वीकर काम कर रहा हूँ, फिर वीकर काम से स्ट्रॉन्गर काम करूंगा। वीकर काम क्या है कि मैं इसको पहले इंटीजर बनाऊंगा और इंटीजर बनाने के बाद मैं चेक करूंगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। माय पॉइंट इज ओके, आर यू गेटिंग सर? यस सर। यस सर। ये तो ये नंबर तो ऑलरेडी इंटीजर है, इसको बना दूंगा इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर तो इंटीजर हो ही जाएगा। ठीक है, और बाद में चेक करूंगा स्क्वायर है। अब मुझे बताओ 20 ओवर 20 माइनस n अगर इंटीजर आया, देखो सोच समझ बताना, अगर 20 ओवर 20 माइनस n, ये 20 माइनस n को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सोचो 20 ओवर समथिंग। ठीक है, तो अगर 20 ओवर समथिंग इंटीजर आया तो क्या आएगा? नीचे एक इवन नंबर होना चाहिए। 20 ओवर समथिंग अगर इंटीजर आया तो क्या आएगा, ये थोड़ा सोच के बताओ। सर या तो सर वो 1 आ सकता है, या तो सर वो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या मतलब 20 का डिवीजर आएगा। यस सर। यस सर। 20 डिवीजर। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो 20 ओवर 20 माइनस n कुछ भी आए, अगर इंटीजर आएगा तो वो 20 का डिवीजर आएगा, कुछ और तो नहीं सकता। मतलब ये जो नंबर है बेसिकली, अगर ये इंटीजर हुआ, अगर ये इंटीजर हुआ तो इट मस्ट बी अ डिवीजर ऑफ 20, इट मस्ट बी अ डिवाइजर ऑफ 20। अब अगर ये 20 का डिवाइजर होगा तभी इंटीजर हो सकता है, मतलब अगर ये इंटीजर होगा तो ये डेफिनेट 20 का डिवाइजर होगा, दैट इज अ पॉइंट। तो 20 के डिवाइजर्स की लिस्ट लिख लो, तो 20 के डिवाइजर्स की लिस्ट है 1, पॉजिटिव डिवाइजर्स की, नेगेटिव डिवाइजर्स की नहीं। ठीक है, 1, 2, 4 और क्या होगा 5 और 20। अब ये चेक कर लो, 1 नेगेटिव 1 हम लाएंगे परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन, हम स्क्वायर को लाएंगे पिक्चर में। ओके, हमने ये तो देख लिया कि ये पॉसिबल वैल्यू होंगी इसकी। ओके, हम देखते हैं नेगेटिव 1 करने पर स्क्वायर कौन कौन से बनेंगे। अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल हो गई तो 1 माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर है? नो सर। नो सर। जीरो होता है, जीरो पे इसका परफेक्ट स्क्वायर, जीरो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये वैल्यू 2 के इक्वल हो गई, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 2 है, तो 2 माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर है। यस सर। यस सर है। ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है। 4 माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर है? नो सर। नो सर। नो सर। एक्सेप्टेबल है। 5 माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर है। यस सर। यस सर। 10 माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर। यस सर है। 20 माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नंबर है 20 ओवर 20 माइनस n, ये केवल 4 वैल्यूज को अगर पजेस करेगा तो हमारे फेवर में है। मतलब ये जो नंबर है, ये अगर 1 हो गया या 2 हो गया या 5 हो गया या 10 हो गया तो हमारे फेवर में है, वरना हमारे फेवर में नहीं है। गेटिंग दिस पॉइंट? और हर एक नंबर के लिए n की एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर मैं 20 ओवर 20 माइनस n को 2 के इक्वल रखूंगा तो n की एक ही वैल्यू मिलेगी ना, n की सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए 2 हो सकता है, तो यानी कि हर एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू मिलेगी n की, तो टोटल n की 4 वैल्यू मिलेगी, आंसर बनेगा। Do you agree or not? Are you getting my point? Excuse me, sir. हाँ. Sir, n की value में हम minus 2 और minus 5 क्यों include नहीं कर सकते? Minus 2 और minus 5. देखो, point को समझो. N को negative, क्योंकि 20 over 20 minus n. अगर n negative हो गया, तो 20 minus n 20 से बड़ा हो जाएगा.
गेटिंग दिस पॉइंट. तो अगर फिर ये नंबर कभी इंटीजर नहीं हो सकता. सर अगर सर 20 की जगह सर बड़ा नंबर हो जाता तो क्या करते फिर? कुछ नहीं करते हम. 20 की जगह बड़ा हो जाता तो और कोई बात नहीं होती. हम केवल उस नंबर के नंबर ऑफ डिवाइडर्स काउंट करते पहले तो, ठीक है. और डिवाइडर्स काउंट करने के बाद एक्चुअली हमको एक्चुअली काम यही करना पड़ता, हमको लिस्ट बनानी पड़ती डिवाइडर्स की. क्योंकि लिस्ट बनाए बगैर हम ये नहीं फिगर आउट कर पाते कि माइनस वन करने पर परफेक्ट स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा. गेटिंग माई पॉइंट? अगर यस सर, अगर हाँ, अगर मैं यहां, अगर प्रॉब्लम इस तरह बनती कि स्क्वायर नहीं होता, अगर मैं इस वर्ड को थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो फिर यहां पर कितना ही बड़ा नंबर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि फिर मुझे केवल डिवाइडर्स काउंट करने होते हैं. Yes, केवल तो हो जाते हैं. हाँ, स्क्वायर की वजह से मुझे लिस्ट बनानी पड़ रही है. अगर स्क्वायर नहीं होता लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे केवल काउंटिंग करनी पड़ती नंबर ऑफ डिवाइजर्स की. और वो काउंटिंग करना आसान है क्योंकि उसके लिए रेडीमेड फॉर्मूला है हमारे पास. हालांकि वो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, कुछ लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन वो फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला से हम काम कर लेते. वो आगे आगे पढ़ाऊंगा भी, उसके बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनती है. ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. और आज का लेक्चर हम यहीं पर क्लोज करते हैं. और जाने से पहले अब मैं आपको बता देता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या स्टार्ट कराऊंगा. मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा एलजेब्रा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस. ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन. ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा. ओके, इससे आपको प्री आरएमओ में बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि जो इक्वेशन से रिलेटेड बातें हैं वो सभी टॉपिक्स के अंदर आती हैं. ओके, इट इज अ फंडामेंटल टॉपिक. और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस टॉपिक के लिए जो मैं होमवर्क आपको दूंगा वो मैं आपको मेरी बुक से दूंगा. वो जो मेरी बुक है एलजेब्रा फॉर जेईई, दैट इज अ बुक एलजेब्रा फॉर जेईई, ठीक है, बाय मी. मेरा नाम प्रशांत शर्मा, आप सभी लोग जानते हैं. ठीक है, तो ये बुक आप चाहें तो बाय कर सकते हैं. इसमें से आपको होमवर्क देने वाला हूं और जो थ्योरी का मेटीरियल है वो मैं जिस सीक्वेंस के अंदर इसमें थ्योरी दी गई है मैं कंप्लीटली उसी सीक्वेंस से पढ़ाने वाला हूँ. ओके, तो अगर आपके पास ये बुक होगी तो आप पहले से पढ़ के आएंगे तो आपके लिए लेक्चर काफी आसान होने वाला है. एक बात और है, होमवर्क मैं इस प्रॉब्लम से भी दूंगा, होमवर्क अलग से भी दूंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ इतना सफिशियंट नहीं है ओलंपियाड के लिए. डेट इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट. एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन बिल्कुल हायर लेवल तक जाना है, ओलंपियाड्स के लेवल तक जाना है, तो और एक्स्ट्रा वर्क करने की रिक्वायरमेंट होगी. लेकिन बेसिक बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए, डेट इज फाइन बुक. ओके, तो इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं. ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके, बाय बाय सर. ओके सर, गुड इवनिंग सर. थैंक यू सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर.